dear students, welcome and welcome back to Gurukul Parishad YouTube channel, a perfect choice for your studies. This is your fifth lecture of class 9th chemistry, chapter number 1, matter. In your previous lecture, we have discussed about the change of state. So, कैसे हम जो different states हैं matter की, means solid, liquid and gases, ये three states होती है हमारी matter की. So, कैसे हम इन तीनों states को एक दूसरे के साथ में change कर सकते हैं, convert कर सकते हैं. So, ये हमने discuss किया था previous लेक्चर के अंदर, जहां पे हमने स्टडी किया कैसे हम एक सॉलिड स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लिक्विड को अगेन सॉलिड में कैसे, और एक लिक्विड स्टेट को गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ अब वहां पे हमने दो प्रोसेसेस के नाम को सिंपली दो प्रोसेस को हमने वहां पे स्टडी किया था. फर्स्ट वन था इवेपोरेशन और सेकंड था हमारा बॉइलिंग. सो ये दोनों प्रोसेस कहां पे यूज हो रहे थे हमारे, जब हम किसी एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, फिर गैस में चेंज करते हैं. सो वहां पे हमने इन दोनों प्रोसेसेस को स्टडी किया. अब देखिए दोनों प्रोसेसेस में होगा क्या, बेसिकली दोनों प्रोसेस में हमारा एक लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट होगा. बट जब दोनों में एक ही वर्क हो रहा है, देन फिर ये अलग अलग क्यों लिए हमने सिंपली यहाँ पे. सो चलिए उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे डिफरेंस को स्टडी करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत समटाइम्स आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, एनसीईआरटी का भी एक ही क्वेश्चन है हमारा. सो चलिए, सो बेसिकली जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कभी भी आपसे एक डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाए, देन आपको सिंपली क्या करना है, देन आपको एक टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, अपने आंसर को सिंपली वहां पे आपको राइट करना है. सो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, एंड फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इवेपोरेशन, और सेकंड में हमारे पास बॉइलिंग है. नाउ अब जो मैं फर्स्ट पॉइंट जो इवेपोरेशन में लूंगा, जिस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे होगा वो पॉइंट, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे मुझे क्या लेना है, बॉइलिंग के अंदर पॉइंट लेना है. सो चलिए देखते हैं, वन बाय वन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इन सभी पॉइंट्स को. सो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. सो देखिए इवेपोरेशन होने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें लिक्विड को कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, नहीं, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, यानी कि उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. वेयर एज अगर मैं बात करूं बॉइलिंग की, सो बॉइलिंग टेक्स प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. अब बॉइलिंग कब होगा, बॉइलिंग तब होगा अगर वहां पे लिक्विड क्या करेगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करेगा, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर तक क्या होगा, वो हीट होगा, तभी वहां पे क्या होगा, बॉइलिंग की प्रोसेस होगी. फॉर एग्जांपल जैसे मैं सिंपली एग्जांपल की बात करता हूं, सो जैसे कि वाटर होता है हमारा, सो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, सो सभी ने आपने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो बिल्कुल सिंपल कॉमन सा ये आपका पॉइंट है, सो दिस इज द 100 डिग्री सेल्सियस. सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है. सो अगर हमें वाटर को बॉईल करना है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन तभी वाटर क्या हो पाएगा, वहां पे हमारा बॉईल हो पाएगा, अदरवाइज वाटर हमारा बॉईल नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे. सो इन इवेपोरेशन, टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जब इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी तो हो सकता है इवेपोरेशन की प्रोसेस होते होते टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो चेंज हो जाए. मीन सपोज पहले टेम्परेचर कम था बाद में हाई हो जाए, या पहले टेम्परेचर हाई था बाद में क्या हो जाए, कम हो जाए. सो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो सकता है, हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन तब भी प्रोसेस हमारी इवेपोरेशन की ऐसे कंटिन्यूसली चलती रहेगी, यानी कि टेम्परेचर में चाहे यहाँ पे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, सिंपली तब भी हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस चलती रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर में चेंज हुआ और इवेपोरेशन की प्रोसेस वहां पे क्या हो गई, स्टॉप हो गई, वो रुक गई. नाउ बॉइलिंग की अगर मैं बात करूं सिंपली, द टेम्परेचर ड्यूरिंग बॉइलिंग डज नॉट चेंज बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज फिक्स्ड एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर. वेयर एज अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग की, तो देखो जैसे मैंने भी आपको बताया कि बॉइलिंग क्या होगा, बॉइलिंग अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर उतना उसने अचीव किया
किया देन तभी बॉइलिंग की प्रोसेस हो पाएगी। सो यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो फिक्स्ड टेम्परेचर ही चाहिए। जैसे मैं सिंपली बात करता हूँ, यहाँ पे वॉटर है, सो वॉटर को हम हीट कर रहे हैं। अब जैसे ही वॉटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को यहाँ पे कम कर दिया, टेम्परेचर में हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, देन वॉटर बॉइल होना जो प्रोसेस चल रही थी वो वहां पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कि वॉटर बॉइल होना क्या कर देगा, बंद कर देगा। सो दैट्स व्हाई जब बॉइलिंग की प्रोसेस होगी तो टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इवेपरेशन प्रोसेस इज स्लो। इवेपरेशन की जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही स्लो होगी। यानी कि यहाँ पे जब इवेपरेशन होगा तो जो लिक्विड है जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो बहुत ही धीरे धीरे से कन्वर्ट होगा। और बात करूं अगर मैं बॉइलिंग की, सो बॉइलिंग की जो प्रोसेस है वो हमारी क्या होगी, फास्ट होगी। बिकॉज फास्ट क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक फिक्स्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन वो बहुत ही फास्टली क्या होगा, बहुत ही फास्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इवेपरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब जब कभी भी इवेपरेशन की प्रोसेस होगी किसी भी लिक्विड में, देन सिंपली वो प्रोसेस कहां पे होगी, उस लिक्विड के सरफेस पे होगी। यानी कि जो लिक्विड का सरफेस है वहीं से ही वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड के और किसी भी पार्ट से वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। वेयर एज अगर मैं बात करता हूं सिंपली बॉइलिंग की, सो बॉइलिंग टेक्स प्लेस इन द एंटायर बॉडी ऑफ द लिक्विड। अब बॉइलिंग जो होगी वो लिक्विड के एंटायर बॉडी में से होगी, यानी कि जरूरी नहीं कि सरफेस से होगी, वो पूरी बॉडी में से, जो भी लिक्विड की पूरी बॉडी होगी वहीं से वो क्या होगा, सिंपली गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब जैसे सिंपली यहां पे मैं एग्जांपल की बात करूं, तो आपने देखा होगा घर में जब कभी भी आप वॉटर को क्या करते हो, बॉइल करते हो, सो सिंपली आपने देखा होगा उसमें क्या होते हैं, उसमें बबल्स बनते हैं, जो नीचे वॉटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होके ऊपर आते हैं और वेपर्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, इवेपरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर। अब देखिए जो इवेपरेशन है, इवेपरेशन के रेट पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट डालते हैं, यानी कि उसके रेट को या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। अब वो कौन कौन से फैक्टर है, सबसे फर्स्ट आ गया सरफेस एरिया। अब देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो इवेपरेशन है वो सरफेस फिनोमिना होता है, यानी कि इवेपरेशन हमेशा लिक्विड के सरफेस पे से होगा। सो अगर हमारे पास ज्यादा सरफेस है किसी लिक्विड का तो इवेपरेशन का रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और अगर सरफेस कम है हमारे पास किसी लिक्विड का तो इवेपरेशन का रेट क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा हमारा स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे विंड स्पीड आती है। सो विंड स्पीड भी क्या करती है, सिंपली अफेक्ट डालती है इवेपरेशन के रेट पे। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी आ गई, यानी कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में नमी है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, देन वो भी इफेक्ट डालेगी। एंड द नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर भी यहाँ पे इफेक्ट डालता है हमारा, बिकॉज यहाँ पे देखिए अभी हमने पढ़ा कि जब इवेपरेशन की प्रोसेस होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। सो कैसे कैसे यहाँ पे ये फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं, सो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं बॉइलिंग की, सो बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। सो बॉइलिंग किस पे, बॉइलिंग को सिंपली इनमें से कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो सरफेस एरिया हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो विंड स्पीड हो, और चाहे वो क्या हो जाए हमारी, सिंपली टेम्परेचर हो जाए। तो बेसिकली यहां पे अफेक्ट क्या करता है, यहां पे अफेक्ट करता है सिंपली बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का। सो आई होप आपको यहां पे अच्छे से समझ में आ गया है क्या डिफरेंस होगा इवेपरेशन में और बॉइलिंग में। सो नाउ अब हम सिंपली यहाँ पे, सो आज के इस लेक्चर में, वीडियो में सिंपली हमने यही डिस्कस करना था हमें, जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग और इवेपरेशन में। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिंपली डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन। सो जो ये फैक्टर्स हैं ये किस तरह से अफेक्ट डालते हैं, सो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, एंड वी विल मीट अगेन in the next lecture.